हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ के इंग्लिश एनी कॉम बुक का चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी करने जा रहे हैं। बच्चों, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको डिटेल्ड में लाइन वाइज ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत राइटर के साथ होती है। जो राइटर जो है वो मिस्टर गेसलर, जो कि एक शू मेकर है, उनके बारे में लिखते हुए कहते हैं कि मिस्टर जो गेसलर हैं वो अपनी शॉप पर अपने भाई के साथ काम किया करते हैं और उनकी शॉप का नाम है गेसलर ब्रदर्स। और उनकी शॉप को अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको लिमिटेड पेयर ऑफ शूज ही दिखेंगे, जो कि वो सिर्फ ऑर्डर मिलने के बाद ही बनाया करते हैं। इसके अलावा जो मिस्टर गेसलर हैं वो बहुत ही आर्टिस्ट टाइप आदमी हैं, जो कि बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से अपने जूतों को बनाया करते हैं और उनके बनाए हुए जूते इतने कंफर्टेबल और इतने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि आपको उनके पास दोबारा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। काफी लंबे समय तक वो जूते चलते हैं, इसलिए काफी लंबे समय तक आपको बार बार उनकी शॉप पे विजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। राइटर जो है वो मिस्टर गेसलर को बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि राइटर के पिताजी के जूते भी मिस्टर गेसलर बनाया करते थे। एक बार राइटर को याद है, जब वो बच्चे थे तो उन्होंने मिस्टर गेसलर से पूछा था कि आप इतने सुंदर और इतने हार्ड वर्क से इतने अच्छे जूते कैसे बना लेते हैं। तो मिस्टर गेसलर ने उन्हें जवाब दिया था कि ये एक कला है, इट इज एन आर्ट। और राइटर कहते हैं कि जब हम उनकी शॉप पे जाते हैं तो हमको ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम किसी रिलीजियस प्लेस पे चले गए हैं, जैसे कि हम किसी चर्च में चले गए हैं। जैसे आपको चर्च में एक भीनी सी और एक अच्छी सी खुशबू आती रहती है, हर तरफ एक मैजिकल खुशबू होती है, उसी तरह आपको उनके शॉप पर लेदर की खुशबू फील होगी। और वो इंसान अपने काम को इतना भगवान मानता है और उसको इतने तरीके से पूछता है कि आपको उनके शॉप पर घुस करके एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। जो मिस्टर गेसलर है वो रशियन है और उनका एसेंट जो है वो भी रशियन है, इसलिए आपको इस चैप्टर में काफी सारे लैंग्वेज वाले सेंटेंसेस इस तरीके से मिलेंगे जो कि आपको पढ़ने में थोड़े से ऑफुल लगेंगे, लेकिन उसका यहाँ पे इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। राइटर कहते हैं कि जब वो एक बार मिस्टर गेसलर की शॉप पे गए और उन्होंने बोला उनसे कि उन्हें एक जूते चाहिए, तो मिस्टर गेसलर ने उन्हें एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ लेदर दिखाया और पूछा क्या ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और मिस्टर गेसलर के द्वारा दिखाया गया जो वो लेदर था वो राइटर को बहुत ही पसंद आता है। वो सचमुच एक मास्टरपीस जूते को तैयार करने के लिए एक परफेक्ट रॉ मटेरियल था। राइटर उनको थैंक यू कहते हुए वहां से चले जाते हैं और फिर आगे वो डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं कि एक बार वो जो मिस्टर गेसलर की शॉप पे जूते खरीदने के लिए गए थे, उन्होंने मिस्टर गेसलर को बताया कि जो लास्ट पेयर ऑफ शूज उन्होंने खरीदे थे वो थोड़े से क्रीक्ड थे, थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल थे। तो मिस्टर गेसलर को यकीन ही नहीं होता कि उनके बनाई गई क्वालिटी में किस तरीके से ऐसे भूल रह गई, और वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे वो जूते ला करके दे दो, मैं उसको ठीक करूंगा, हो सकता है उसका चमड़ा ही खराब हो, इसीलिए उस लेदर के खराब होने की वजह से वो जूता खराब बन गया हो, अगर वो मुझसे ठीक नहीं हो पाया तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मतलब वो इतना उन्हें अपने आर्ट पर विश्वास था कि उनके बनाए हुए जूते जो हैं वो खराब नहीं हो सकते, और अगर खराब हैं तो वो पैसे तक वापस करने के लिए तैयार थे। राइटर एक और घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार मैं उनकी दुकान पे जूते खरीदने के लिए चला गया और मैंने बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं किया कि मैं जो जूते पहन के गया हूँ वो दूसरी कंपनी के जूते मैंने पहने हुए हैं। तो मिस्टर गेसलर जो है वो कंटिन्यूसली मेरे उस जूते को देखते रह गए और कहने लगे कि ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं है और आपको ये जूते इस जगह से हर्ट करते होंगे। उन्होंने जिस जगह उंगली को रखा और दबाया वो उस जगह पर एक्चुअल में राइटर को हर्ट करते थे, और राइटर ने कहा कि हाँ ये मुझे यहाँ पे हर्ट करते हैं। तो मिस्टर गेसलर ने उनको बोला कि हाँ मुझे पता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट करके पैसे कमाती हैं, ये कुछ काम नहीं करती हैं, ना ही क्वालिटी वर्क जो है करती हैं और किसी भी तरीके की क्वालिटी अपने कस्टमर्स को नहीं देती हैं। इस तरीके के शब्द सुन करके राइटर बहुत ही हर्ट हो जाता है, राइटर बहुत ही डीपली टच हो जाता है और वो मिस्टर गेसलर को बहुत सारे जूते ऑर्डर कर देता है, बहुत सारे जूते उनसे खरीदने के लिए उन्हें ऑर्डर कर देता है, और वो जूते करीब 2 साल तक उनके पास चलते हैं, राइटर के पास चलते हैं, इतने अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं और इतने अच्छे कंफर्टेबली वो फिट होते हैं। 2 साल बाद जब राइटर उनकी शॉप पे दोबारा जाते हैं जूते खरीदने के लिए तो मिस्टर गेसलर से पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो मिस्टर गेसलर बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर के राइटर जो है वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन साथ में ही उन्हें पता होता है कि उनके मरने का रीजन क्या है, क्योंकि मिस्टर गेसलर और उनके भाई जो है वो कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते थे और लिमिटेड शूज ही बनाया करते थे, वो भी सिर्फ ऑर्डर मिलने पर, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए जब ऑर्डर आता था तभी वो अच्छी क्वालिटी के शूज बना करके दिया करते थे, इसीलिए जो उनके पास पैसों की कमी की वजह से ही शायद उनके भाई की डेथ हुई होगी, इस तरीके का वो अंदाजा लगाते हैं और उनको बहुत सारे जूतों को ऑर्डर दे करके वहां से चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद जब उनको वो जूते रिसीव हो जाते हैं तो उसके बाद राइटर को लंदन जाना पड़ जाता है। वो जब लंदन जाते हैं तब
तब उस समय मिस्टर गेसलर जो हैं वो 60 ईयर्स के होते हैं। जब वो वहाँ से लंदन से वापस आते हैं तब तक मिस्टर गेसलर 75 ईयर्स के हो चुके होते हैं, यानी कि करीब 15 साल राइटर बाहर रहता है। 15 साल बाद जब वो वहाँ आते हैं तो मिस्टर गेसलर की शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे तरीके के जूते उनसे ऑर्डर कर देते हैं कि मुझे हर तरीके के जूते चाहिए, बहुत सारे जूते चाहिए। और फिर वो जब जूते उन्हें रिसीव होते हैं तो वो बहुत ही अच्छी और फिनिश क्वालिटी के, फाइन क्वालिटी के और एकदम परफेक्टली फिट वाले जूते होते हैं। तो राइटर सोचता है कि क्यों ना मैं एक दिन जा करके मिस्टर गेसलर को थैंक यू बोल करके आऊँ और उनके जूतों की तारीफ करके आऊँ और उनसे पर्सनली मिल करके आऊँ। तो जब राइटर उनकी शॉप पे जाते हैं थोड़े दिन बाद, करीब एक हफ्ते बाद उनकी शॉप पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो शॉप पे यहाँ पे गेसलर ब्रदर लिखा था, ब्रदर्स लिखा था, वो बोर्ड वहाँ से गायब होता है। और वहाँ पे जो उनकी विंडो है वहाँ पे हमेशा लिमिटेड शूज़ ही रखे हुआ करते थे, आज तो बहुत सारे शूज़ रखे हैं। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पे एक दूसरा आदमी मिलता है उन्हें, तो उससे पूछते हैं कि मिस्टर गेसलर से मिलना है। तो वो आदमी कहता है कि मिस्टर गेसलर तो यहाँ नहीं है, आप मुझसे बात कर लीजिए। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तो मिस्टर गेसलर से ही मिलना है। तो ये आदमी बताता है उन्हें कि मिस्टर गेसलर की अब डेथ हो चुकी है और साथ में ही वो मिस्टर गेसलर की तारीफ़ करते हुए कहता है कि मिस्टर गेसलर जो हैं वो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी अपनी क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे कि वो थोड़ी कम क्वालिटी का सामान सस्ते में बना करके कस्टमर्स को बेच दें। उन्होंने कभी भी इस तरीके की धोखाधड़ी नहीं करी, उन्होंने हमेशा क्वालिटी को हमेशा सर्वोपरि रखा है और कभी भी किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं करी। इसी वजह से उनके जूते जो हैं महंगे होने के कारण लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि वो इतनी क्वालिटी में अच्छे होते थे कि जिसकी वजह से वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते थे। और बाकी जो फैक्ट्री मेड शूज़ होते हैं तो सस्ते क्वालिटी के और घटिया क्वालिटी के और सस्ते होते हैं, तो लोग इन्हें खरीदते थे। इसकी वजह से मिस्टर गेसलर जो हैं वो इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद, क्योंकि पैसे नहीं पाते थे, तो स्टार्वेशन के कारण उनकी डेथ हो चुकी है। और वो साथ में मिस्टर गेसलर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ही वॉज अ परफेक्ट एंड अ फाइन आर्टिस्ट। और जो राइटर है वो इस बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मिस्टर गेसलर जो हैं बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे और उनके बनाए हुए जूते बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। इस तरीके से यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर में एक सीख सीखने को मिली होगी कि हमें एक छोटे व्यापारी के साथ भी डीलिंग करनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी शॉप है जो कि बहुत ही सस्ता सामान देती है और एक छोटी सी शॉप है, तो कभी भी आप इस चीज़ से शर्माओ मत, वहाँ से सामान खरीदने के लिए शर्माओ मत। आप प्लीज़ जाओ वहाँ पर और उनसे सामान खरीदो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनसे तो लोग खरीदते ही रहते हैं, उनका तो टर्नओवर लाखों में और करोड़ों में आता ही रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मदद करके उन छोटे व्यापारी को थोड़े से पैसे दे दोगे तो इनसे उनका घर भी चल जाएगा और उनको भी अपने काम के लिए अप्रिशिएशन मिलेगा। आई होप आपको ये लाइन हमेशा याद रखोगे और आप अपने आसपास की छोटी शॉप से भी सामान खरीदेंगे। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाला बैल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। बच्चों अगर आपको इस चैप्टर में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका मतलब जानना है और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट allsol.in पर विजिट करके उसे पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।